भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने ईसा को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब ईसा के विश्वासघाती यूदास ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है तो उसे पश्चाताप हुआ और वो महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के वे 30 सिक्के ये कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदास ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, ये तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि वो जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का ये कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वही दाम इसराइल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था, और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं? बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वो जानता था कि उन्होंने ईसा को ईशा से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को ये समझाया कि वे बराबस को छुड़ाएं और ईसा का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों, इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने ये कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीन कर उनके सर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर और उन्हें उनकी निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेने निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोगों ने ईसा को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चख तो लिया, लेकिन उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया
और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे उन पर पहरा देने बैठे। ईसा के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वो इस प्रकार था, ये यहूदियों का राजा ईसा है। ईसा के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए ये कहते थे, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी ये कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु ये अपने को नहीं बचा सकता, ये तो इज़राइल का राजा है। अब ये क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाएं। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर के 3rd पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग 3rd पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्खतानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। ये सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पंसोक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखें एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी नारियां भी दूर से देख रही थीं। वे ईसा की सेवा परिचर्या करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थीं। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जेबेदी की पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमथिया का एक धनी सज्जन आया, उसका नाम यूसुफ था और वो भी ईसा का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छालटी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था, और वो कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के 2रे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वो मृतकों में से जी उठा है। ये पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बिठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया।